Now we will see what are sprite cursor tools. These tools are located above the blocks palette. There are four tool buttons provided in this section. They are used to duplicate, delete, grow and shrink a sprite. Okay, here you can see the picture. आपने जब इंटरफेस मैंने देखा था स्क्रैच सॉफ्टवेयर का, उस इंटरफेस पे टॉप पे, ओके, जहाँ पे आपको मेन मेन्यू के जस्ट राइट साइड में ब्लॉक्स पैलेट के जस्ट ऊपर ये जो ऑप्शन है ये अवेलेबल होते हैं, ओके, जिसमें दीज ये जो कर्सर टूल्स हैं, स्प्राइट कर्सर टूल्स हैं, ये फोर टाइप्स के होते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज यूज टू डुप्लीकेट, सेकेंड वन इज यूज टू डिलीट, third one is used to grow and the fourth one is used to shrink. Okay, the functions of the following tools are as follows. The very first one, duplicate. This feature helps us to copy the selected code either to be pasted in the same sprite script area or to copy in another sprite's script area. Okay, aap isko scripts ko डुप्लीकेट करने के लिए स्क्रिप्ट एरिया में सेम स्प्राइट के ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक स्प्राइट हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं प्रोजेक्ट में और उस पर हमने कुछ स्क्रिप्ट्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस लगा रखे हैं और सेम स्प्राइट विद सेम इंस्ट्रक्शंस हमको और एक और चाहिए स्क्रिप्ट में, तो जस्ट हम लोगों को स्प्राइट को क्लिक करके और डुप्लीकेट पे क्लिक करना है और उसका एक जस्ट जो स्प्राइट हमने यूज किया वैसा ही एक डुप्लीकेट स्प्राइट विद द सेम इंस्ट्रक्शंस और स्क्रिप्ट्स जो है वो हमारा प्रोजेक्ट में क्रिएट हो जाता है. सेकेंड इज डिलीट. दिस ऑप्शन अलाउज डिलीटिंग द सिलेक्टेड कोड इन द स्क्रिप्ट एरिया. वी कैन ऑल्सो डिलीट सेट ऑफ कोड्स बाय ड्रैगिंग द कोड एंड ड्रॉपिंग अगेन टू द इंस्ट्रक्शन ब्लॉक. अभी हमने ब्लॉक्स पैलेट देखा था, ये जो ऑप्शन है ये डिलीट करने के लिए यूज होता है कोड को. ठीक है, जो भी कोड हम लोग स्क्रिप्ट एरिया में यूज करते हैं उस पर क्लिक करके अगर हम इसको क्लिक करें डिलीट ऑप्शन को, तो वो कोड हमारा क्या होगा, डिलीट हो जाएगा. या फिर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक्स पैलेट से, ठीक है, हम लोग स्क्रिप्ट एरिया में कभी भी किसी ब्लॉक इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको लेके जाते हैं स्क्रिप्ट एरिया में. वैसे ही हम लोग जैसे ब्लॉक पैलेट से स्क्रिप्ट एरिया में ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, वैसे स्क्रिप्ट एरिया से ब्लॉक पैलेट में अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो क्या होगा, स्क्रिप्ट एरिया से वो कोडिंग डिलीट हो जाएगी. ओके, सो ये दो तरीके से हम लोग स्क्रिप्ट को डिलीट करते हैं. Now the third option is to grow. This option enables the user to increase the size of the sprite. ओके, देखो जब भी आप कोई भी स्प्राइट को लाइब्रेरी से ऐड करते हो अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है, स्टेज पे, तो वो स्प्राइट का एक साइज होता है जो कि ऑलरेडी प्रीडिफाइंड होता है. अगर हमें उस साइज को चेंज करना है, अगर उसको हमें इंक्रीज करना है उसके साइज को, तो हम लोग ये ग्रो का ऑप्शन यूज करते हैं. लास्ट वन इज श्रिंक. This option allows the user to decrease the size of the sprite. In the same way, जैसे हम लोग group use करते हैं, उसी तरीके grow use करते हैं option increase करने के लिए sprite के size को, same way में shrink option हम लोग use करते हैं sprite के size को decrease करने के लिए, sprite को छोटा करने के लिए. Clicking on any of the tool changes the mouse pointer to the icon of that tool. Use these tools, we need to click on any of it and then click on the sprite present on the stage. We can use a tool multiple times on a sprite. देखो इसका कहने का मतलब है, अगर हमें ये कर्सर टूल्स को यूज करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जिस भी कर्सर को हमको यूज करना है, जो भी टूल को यूज करना है, उस पर हम लोग क्लिक करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी स्प्राइट के साइज को इंक्रीज करना है तो हम लोग जाएंगे और इस ग्रो वाले टूल पे हम लोग, ठीक है, इस कर्सर टूल पे हम लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ग्रो का जैसा सिंबल दिख रहा है वैसा ही सिंबल हमारे एरो का हो जाता है और उसके बाद हम लोग को सीधा जाके उस स्प्राइट को क्लिक करना होता है जिसका साइज हमको इंक्रीज करना है. ओके, जैसे ही हम लोग स्प्राइट पे वन टाइम क्लिक करेंगे तो उसका साइज एक बार ही इंक्रीज होगा,
जितनी बार इंक्रीज करना चाहते हैं उतनी बार ही हमें उस स्प्राइट पे उसको क्लिक करते रहना होगा, ठीक है। और फिर अगर हमें उस चीज को रिलीज करना है तो हमें स्टेज के बाहर कहीं पे भी हम क्लिक करके उस इस कर्सर टूल को रिलीज कर सकते हैं। सेम वे में स्ट्रिंग को भी हम वैसे ही यूज करते हैं। सो दिस इज द वे वी कैन यूज द स्प्राइट कर्सर टूल्स। Now the next topic is using the green flag. The green flag button is located at the top right corner of the stage along with the red field circle stop button, and it allows us to run multiple scripts simultaneously. Here, जब आप लोगों ने स्क्रैच सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देखा वहां पे आपने देखा कि स्टेज जो एरिया है स्टेज एरिया के जस्ट ऊपर, ठीक है, टॉप राइट राइट साइड में ऊपर में ये दो ऑप्शंस दिखते हैं, ओके, जिसमें द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज ग्रीन फ्लैग बटन, दो बटन्स हैं, द वेरी फर्स्ट बटन इज ग्रीन फ्लैग बटन एंड इट इज यूज्ड टू रन अ प्रोजेक्ट स्टार्ट अ प्रोजेक्ट। सेम उसी तरीके से ये जो स्टॉप बटन है इट इज यूज्ड टू स्टॉप अ रनिंग प्रोजेक्ट, ओके, इसका ये फंक्शन है। नाउ इसकी एक और फीचर है, वो क्या है कि हम लोग जब भी कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं, स्क्रिप्ट हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ब्लॉक्स, ये जो इंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स हैं उनको पजल की तरह एक दूसरे वर्टिकली क्या करते हैं अरेंज करके हम लोग क्या बनाते हैं स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा ग्रीन फ्लैग का क्या इंपॉर्टेंस है कि ग्रीन फ्लैग क्लिक ब्लॉक, ये जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज द व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ब्लॉक, ओके, इट इज आल्सो कॉल्ड द स्टार्ट ब्लॉक एंड इट इज एन इवेंट ब्लॉक। इवेंट ब्लॉक कहने का मतलब ये है कि ये जो इंस्ट्रक्शन ब्लॉक है, हमने पहले पढ़ा ब्लॉक्स के बारे में जिसमें 10 कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स थे, उसमें कैटेगरी था इवेंट, ओके, इवेंट ब्लॉक कैटेगरी जो है उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन ब्लॉक है जिसका नाम है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, ठीक है, इसको हम लोग अपने स्क्रिप्ट्स में एज अ इनिशियल इंस्ट्रक्शन कोड यूज करते हैं, ठीक है। जब भी कोई हम लोग किसी भी स्क्रिप्ट या किसी भी बैकड्रॉप पे जब कोई स्क्रिप्ट या सॉरी उस पे जब भी कोई हम लोग कोडिंग क्रिएट करते हैं स्क्रिप्ट लगा रहे होते हैं तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन कोड ब्लॉक जो यूज करते हैं हम वो कौन सा होता है व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक, बिकॉज यही एक ऐसा ब्लॉक है, ये वाला जो इंस्ट्रक्शन ब्लॉक है ये बताता है कि ये सारे काम जो होंगे, ठीक है, उसके नीचे जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस कब होंगे जब यूजर ये ग्रीन फ्लैग को क्लिक करेगा, मतलब कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेगा, ओके। स्क्रिप्ट्स दैट वेयर दिस ब्लॉक विल एक्टिवेट once the green flag has been clicked. These scripts can activate other scripts and enable the entire program. देखो होता क्या है कि जब भी हम स्क्रिप्ट लिखते हैं सबसे पहले हम कौन सा ब्लॉक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक यूज करते हैं when green flag clicked, okay? इसका मतलब कि जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा तब ये इसके नीचे जितने भी सिक्वेंशियल स्टेप्स हैं वो फॉलो होंगे। तो जैसे ही ये क्लिक होगा इसके नीचे जितने भी स्टेप्स हैं वो वन बाय वन रन करने लगेगा, ठीक है। जैसे पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉर एग्जांपल है वेट वन सेकंड, तो वो वेट करेगा, फिर रिपीट, ये रिपीट वाला है, ठीक है, रिपीट करने के लिए आपको बता रहा है इसमें रिपीट क्या करना है तो आस्क, ठीक है, हूज व्हाट्स योर नेम, तो मतलब ये बार बारी 10 times यहाँ कह रहा है रिपीट 10 times मतलब 10 times जो स्प्राइट है वो पूछेगा कि आप व्हाट इज योर नेम, ठीक है। तो ये जो है कब होगा ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, ये जो स्प्राइट के ऊपर जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस लगा रहे हैं उसके बिहेवियर को लेके, तो ये कब स्टार्ट होगा होना जब ग्रीन फ्लैग क्लिक होगा। सो दिस इज हाउ वी यूज द ग्रीन फ्लैग इन स्क्रिप्ट्स, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। In the next session, that is the practical session, we will see how we can practically apply, or we will see the practical aspects of using Scratch programming. So, this is it. Till then, take care.